मानसून की आधिकारिक विदाई से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की उम्मीद है, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानों तक तापमान पर असर पड़ सकता है। हालांकि 2 दिन तक तेज धूप खिलने से गर्मी खूब परेशान करेगी, खासकर मैदानी इलाकों में आम जनता को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। इसके बाद 25-26 सितंबर को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले को छोड़कर सभी जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि भविष्य में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश देखने को मिल सकती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए अगर आप मौसम की बात करते हैं, आज 23 तारीख आपकी जो है सितंबर की हो गई है और एक वीक आपके पास सितंबर का ये लास्ट वीक जो है वो बचा है। और आप अगर विदाई की बात करते हैं मानसून की, तो सितंबर में 25 के बाद एक शुरुआत होती है और करीब 30 के आसपास तक हमारे यहाँ से पूरी तरह से निकल जाता है, जो नॉर्मल डेट्स है। अभी जो एक्टिविटीज है काफ़ी कम चल रही है, आप देखेंगे 20-21 में और 22 में या इवन 19 में भी जो है 4-5 दिन ऐसे होगी, करीब 4 दिन आसपास जो है जिसमें कि ऑलमोस्ट ड्राई चल रहा है या आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी थोड़ी मिली है। और अभी 2 दिन आगे भी देखें, आज 23 है, कल 24 है, तो इसमें भी कोई एक्टिविटी खास दिखती नहीं है। छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या एक दुकान जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है, क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है, तो लोकल डेवलपमेंट होकर के थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी जो है वो मिल सकती है आज कल में। लेकिन जब आप 25 और 26 को जा रहे हैं तो 25-26 सितंबर में जो स्केटर टाइप एक्टिविटी वो दिख रही है प्रिडिक्शन में कि लाइट से मॉडरेट रेन जो है आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों में वो प्रदेश में मिलेंगे, खासकर हिल्स में और मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पे भी इक्का दुक्का जगह जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी वहाँ भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा जो है 25 और 26 सितंबर को दिख रहा है। फिर 27, 28, 29 या 30 को देख रहे हैं तो फिर एक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं लाइट एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप को मिलेगी, आगे भी ऐसा वो दिखता है, जो हिल्स में 30 तारीख तक भी ऐसा दिख रहा है या 1 तारीख तक भी।